नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये खूबसूरत सा तीन कलर का डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसको मैंने 27 फंदे में बनाया है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये मेरे तीन कलर हैं जिसका मैंने ये डोरमेट बनाया है खूबसूरत सा। और ये देखिए, इसमें मैंने 27 फंदे डाले हुए हैं। ये मैंने 27 फंदों का डोरमेट बनाया है, इसलिए मैंने इसमें 27 फंदे सफ़ेद रंग से डाल रखे हैं। अब ये डिजाइन हम पहली सिलाई से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये देखिए, हम पहली ही लाइन से एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस धागे को इसके ऐसे बीच से निकालें या आप कोई से भी साइड के जैसा बढ़ाना चाहें उसे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे करके ये एक निकाल लिया और ये एक फंदा हमने बीन लिया। तो ये हमारे तीन फंदे हो गए। और मैं यहाँ पे अपना ये रेड कलर लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, पहला ये एक फंदा हमने बीन लिया। ये देखिए, इस धागे को ऐसे फंसा देंगे तो ये हमारा जोड़ है यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। और ये देखिए, एक दो, ये देखिए हमने एक दो तीन तीन धागा ऐसे, चार पाँच छः, ये देखिए छः फंदे हमने ये रेड कलर से बना लिए हैं। ये छः फंदे हमने ये रेड कलर से बीन लिए। अब हम बाकी फंदों को ये देखिए, ये ग्रीन कलर से बनाएंगे एक, और इसको हम दोनों को ऐसे करके फंसा देंगे, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह फंदे हमने ये ग्रीन कलर से बना लिए। और ये दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने छोड़ दिए और ये हम पूरी लाइन, ये देखिए इस तरह से हम बाकी उल्टी उल्टी ये सीधी सिलाई में, ये देखिए ग्रीन वाले फंदे हम ये ग्रीन कलर से बीन लेंगे। ये देखिए, हमने ग्रीन वाले सारे फंदे सीधी सिलाई में ग्रीन कलर से बने। इसको पीछे करेंगे और इसको हम क्रॉस से आगे ऐसे लाएंगे फंसा के, नहीं तो यहाँ पे हमारी जाली अलग बन जाएगी और ये डिजाइन हमारी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे धागा फंसाना पड़ता है तो अलग अलग सा रहेगा। ये देखिए, हमने रेड वाले फंदे रेड कलर से बिने, धागा पीछे करेंगे इस तरफ को और इसको ऐसे खींच के आगे लाएंगे। और ये हमारे तीन फंदे व्हाइट के हैं तो इनको हम तीन बुन लिए। ये देखिए इस तरह से, अभी हमने एक सिलाई सीधी और उल्टी कंप्लीट कर ली। फिर हम उसी तरह से, ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और एक फंदा ये देखिए इस तरह से, फिर हम इसको यहाँ से ऐसे, ये देखिए ये हमारा ये है, इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। फिर इसको हम, ये देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और ये हमने बिन लिए। तो अभी हमारे टोटल एक दो तीन फंदे हो गए, तीन फंदे हो गए और इसको ऐसे करेंगे और ये हम व्हाइट वाले को फिर हम रेड से बिन देंगे। और रेड के हमारे छः फंदे हमने रखे तो ये हम छह ही रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए हमने छः बिन लिए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे इस तरह से और ये हम
इसको ग्रीन से बिन लेंगे। अब ग्रीन के सारे फंदे अब हम ये देखिए इस तरह से बिन लेंगे। ये देखिए हमने ग्रीन वाले सारे फंदे ये ग्रीन कलर से बिन लिए। और ये देखिए दो फंदे अब हम ग्रीन कलर के छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे उस बार हमने रेड व्हाइट के छोड़े थे, अब ये दो फंदे हम ग्रीन के छोड़ देंगे। और इसको घुमा के अब हम फिर से ये सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड में सेम टू सेम बनाना है, ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से और व्हाइट वाले व्हाइट से सेम टू सेम बना के करूँ, जिससे मैंने पिछली बार ये सीधी सिलाई आपको बना के दिखाई थी। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी सेम टू सेम बना के कंप्लीट की है, जैसे मैंने पिछली बार बनाई थी। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए धागा आगे, फिर एक फंदा हम उसी तरह से बढ़ाएंगे, इसे नीचे से एक फंदा ले लेंगे। ये देखिए एक दो, ये तीन फंदे हमने फिर से हो गए हमारे, एक फंदा हमने उठाया और एक बिन लिया, तीन हो गए। एक फंदा ये हमारा व्हाइट का है, इसको हम रेड से बना लेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए हमने रेड के छह फंदे, एक फंदा हमने जो यहाँ बढ़ाया था वो यहाँ हमारा बच गया, इसको हम ग्रीन से कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरी लाइन हम फिर ग्रीन से बिनेंगे। अभी ये हमारी तीसरी सिलाई है, हमने यहाँ पे तीन फंदे बढ़ा लिए हैं और ये पूरी लाइन अब हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे अभी यहीं से, और यहीं से सिलाई पलट के ये देखिए वापस जाएंगे। अभी हमने ये तीसरी लाइन, तो ये हमारे दो दो के तीन सेट छूट गए हैं हर सिलाई। ये देखिए, और ये सीधी सिलाई पूरी ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से और व्हाइट वाले व्हाइट से बना के हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना के पूरी कंप्लीट कर ली, सेम टू सेम कलर का जो जैसा कलर है। अब ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे, फिर एक फंदा हम फिर से हर ये देखिए एक फंदा हमने फिर से बढ़ा लिया और एक हमने बिन लिया, तो हमारे तीन फंदे हो गए। फिर एक फंदा ऐसे धागा करेंगे और ये एक व्हाइट वाले को रेड से कर देंगे और ये रेड वाले, फिर हम छह फंदे बिनेंगे। ये तीन फंदे हमारे व्हाइट के हैं, तो ये हर बार तीन फंदे रहेंगे और रेड के हमने छह फंदे रखे हैं, वो छह फंदे हर बार रहेंगे रेड से। ये देखिए ये हमने एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमने छः फंदे रखे और इस धागे को ऐसे करके एक फंदा हम बढ़ा दें, तो ये हमारे ग्रीन वाले फंदे हर बार कम और ज़्यादा होते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये पूरी लाइन हम ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरह से बिन लेंगे। अब दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे धागा, ये देखिए इस तरह से हर सिलाई में हमें दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ने हैं। और इसी तरह से हम ये हमने 27 फंदे का डाला है, तो हम यहाँ पे दो दो करके 14 फंदे छोड़ देंगे। तो अभी हमने एक दो तीन चार, मतलब आठ फंदे हमने छोड़ दिए हैं। और यहाँ से ये देखिए सीधी सिलाई, इसी तरह से हम 14 फंदे छोड़ेंगे सीधी सिलाई। ये देखिए इस तरह से सेम टू सेम हमें बना के कंप्लीट करना है। सीधी सिलाई में हमें कुछ करना नहीं होता है, जो जैसा है वैसे ही कलर का रखना है हमारी डिजाइन। ये देखिए धागा पीछे, और इसको हम ये देखिए इस तरह से हम क्रॉस में लाएंगे, इसको आगे करके ऐसे करके इस तरह से लाएंगे, नहीं तो हमारी ये जोड़ ये डिजाइन है ना, इसका जोड़ अलग अलग सा रहेगा, जो डिजाइन देखने में सुंदर नहीं लगेगी। और ये पूरे
फंदे रेड वाले रेड से बना के ये देखिए इस तरह से कंप्लीट किया। इस धागे को ऐसे आगे करके और इसको हम ऐसे पीछे से लाएंगे क्रॉस में, ये देखिए इस तरह से। और ये तीन फंदे हमारे हर बार रहेंगे। ये देखिए ये हमारे तीन फंदे हैं, तो ये तीन फंदे हमारे हर बार रहेंगे। इस ये देखिए इस तरह से सीधी सिलाई सेम टू से बनाना है। और यहाँ पे हम 14 फंदे छोड़ेंगे और यहाँ हमारे हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ेगा, तो 7 फंदे हमारे यहाँ बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आप अगर इसको बड़ा बना रहे हैं तो उसके आधे फंदे पे हमें छोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे 27 फंदे डाले, इसलिए मैं यहाँ पे 14 फंदे छोड़ूंगी और यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। उसके बाद में मैं फिर बाद में आप मुझे पूरे 14 फंदे छोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने बना लिए और ये देखिए हमारी कली ऐसे जा रही है। यहाँ पे हमने ये टोटल हमारे 27 फंदे थे और हमने एक एक हमने यहाँ पे 14 फंदे छोड़ दिए, दो दो करके, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो पंच, दो छः का 12, दो सत्तर 14, ये हमने 14 फंदे छोड़ दिए। और यहाँ पे हमने 7 फंदे बढ़ा लिए, एक एक करके हर लाइन पे हमने फंदे बढ़ाए, तो 7 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए और दो दो करके हमने ये 14 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और ये अभी हमारे पास टोटल 34 फंदे हो गए हैं जो हमने 7 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये देखिए ये हमारी है। अब हमको ये डिजाइन को इधर के अंदर की तरफ लेके जाना है। अब ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे घुमा के लेंगे और जैसे ये देखिए हम यहाँ पे एक फंदा ले लेंगे और यहाँ पे हम दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया और धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये बाकी यहाँ पे हमारे अभी एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, तो अभी हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हो गए। एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे तो 6 फंदे हो गए। इस धागे को टाइट करेंगे और बाकी फंदों से ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। और दो फंदे हम यहाँ से जो हमने छोड़े हुए फंदे थे, तो ये हमारे टोटल छोड़े हुए 14 फंदे हैं। इसे अब हम दो फंदे उठा लेंगे, 11 और ये 12। ये देखिए अभी हमारे ये 12 फंदे हो गए। एक फंदा हम उतारेंगे और धागा उसके ऐसे इससे निकाल देंगे और इसी धागे को इसमें ऐसे पिरो देंगे। इसमें सिर्फ हमें फंसाना है इसको, इस तरह से हम इसमें यहाँ पे लूप लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इस बाकी फंदे हम जो हमने बिने थे सेम ऐसे ही बिनना है, ये देखिए इस तरह से। ग्रीन वाले सारे फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये हमारी सीधी साइड में जैसा है वैसे ही करना है, ये देखिए। ये हम ग्रीन के सारे फंदे ग्रीन कलर से बना लिए। धागा पीछे करेंगे इस तरह से, आगे लाएंगे इसको और इसको ऐसे क्रॉस में आई इस तरह से लाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे धागा फंस जाता है। और ये पूरी लाइन हम ये देखिए अब रेड वाले फंदे हम रेड से बना के कंप्लीट करेंगे, ये देखिए। ये देखिए हमने रेड वाले फंदे रेड से बनाए, धागा पीछे करेंगे और इसको खींच के ऐसे लाएंगे क्रॉस में और व्हाइट वाले फंदे व्हाइट से बनेंगे। ये देखिए हमने सेम टू सेम बना लिए। अभी हमारी डिजाइन इस तरफ को, अब ये हमारी ये हाफ कली बन गई है, अब इसको हमें पूरा करना है। तो अभी हमारी ये डिजाइन इस तरफ जा रही थी, अब इसको पीछे की तरफ लाएंगे, तो ये हमारी ये लीव्स बन के तैयार होगी। ये देखिए हमने पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे, दो फंदे मिले। अब हम यहाँ पे दो फंदे का एक कर देंगे, एक रेड को और एक व्हाइट को इस तरह से मिला के एक साथ बीन लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने घटा दिया और इसको टाइट करके अगला फंदा हम 6 फंदे बीनेंगे। तो अभी हमने एक फंदा घटाया तो 5 ही बचते हैं, 1 2 3 4 5, एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे 6। अभी हम इसको टाइट करेंगे और ये बाकी फंदे
ऐसे ही बनाएंगे। अभी ये देखिए इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा, ये देखिए हमने फंदे बने। एक फंदा वो जिसमें हमने लूप लगाया था उसको बुनेंगे, दो फंदे में बिना बुने लेने हैं, तो एक लूप वाला और एक ये, तो ये हमने दो फंदे फिर से ले लिए। जैसे हमने यहाँ पे दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़े थे, अब हम इस डिजाइन में दो दो फंदे लेते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। फिर इस फंदे को उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये इस साइड में हम, ये देखिए सीधी साइड में आ गए। इस फंदे को हम इसी में उतार देंगे। हमने जितने फंदे बीने थे उतने ही हमें सीधी साइड में बनाना है। सीधी साइड में हम सेम टू सेम बना के कंप्लीट करेंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से, रेड वाले रेड से और व्हाइट वाले व्हाइट से। ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आए, सेम टू सेम हमने बनाई है। अब ये देखिए हम उल्टी साइड में पहला फंदा उतार लिए, धागा आगे और एक फंदा हमने बीन लिया, ये देखिए सर। फिर हम ये दो फंदे का एक कर देंगे, एक रेड और एक व्हाइट को मिला के एक, ये देखिए इस तरह से इस धागे को ऐसे और इसको रेड वाले को टाइट करके हम फिर से बुनेंगे। हम छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच और ये एक ग्रीन वाले से ले लिया, छह फंदे हो गए। इसको टाइट करेंगे और अगले फंदे हम सब बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम हर सिलाई में हम एक एक फंदा घटा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, ये देखिए इस तरह से। और अभी हमने ये तीन फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए पूरी लाइन इसी तरह से हम बना कंप्लीट, और ये दो फंदे हम बिना बुने लेंगे। अब फिर एक फंदे पे ऐसे लूप लगा देंगे ऐसे, और इसको इसी में पिरो देंगे और सीधी साइड में हम पूरा ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे जैसा है। ये देखिए सीधी साइड पूरी ऐसे हमें सेम टू सेम बनानी है, ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से और व्हाइट वाले व्हाइट से। अब ये सीधी सिलाई हमने बना ली, फिर से हम उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के लेंगे और फिर एक फंदा हम बिन लेंगे। फिर हम ये दो फंदे का एक फंदा ऐसे कर देंगे, ये देखिए, ये देखिए हम ये पहला फंदा उतारते हैं तो ये हमारी किनारी एकदम चैन जैसी बनती है, ये देखिए इस तरह से, जो बहुत अच्छी लगती है। और ये हम छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच और एक फंदा, ये छह, छह फंदे इसी तरह से हम हर बार बनाएंगे। तो जो हमने सात फंदे बढ़ाए थे वो हम सात फंदे घटा लेंगे यहाँ तक पूरे लास्ट, और ये दो दो फंदे हर सिलाई में एक फंदा इधर हम घटाएंगे, इधर से हम दो दो फंदे उठाते हुए जाएंगे, इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं एक बार और बता रही हूँ, फिर अपनी फिर इसी तरह से पूरा हमें कंप्लीट करना है। तो अभी हमने चार फंदे घटा दिए, ये देखिए पहला फंदा इस तरह से, बाकी हम ग्रीन वाले सारे फंदे इसी तरह से बीनेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा किनारे घटाया है और ये हमें हर सिलाई में जैसे हमने पिछले में बढ़ाया था एक एक फंदा, उसी तरह से अब हम एक एक फंदा हर सिलाई में घटाएंगे और पीछे से दो दो फंदे लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब ये दो फंदे हम फिर से बीनेंगे, हर सिलाई में हम दो दो फंदे उठाते हैं। ये देखिए हमने दो फंदे फिर से बुन लिए बिना बुने। अब फिर एक फंदे पे लूप लगाएंगे ऐसे इस तरह से, और इस फंदे को इसी में हम पिरो देंगे, बिनेंगे नहीं, ये देखिए इस तरह से। और ये पूरी लाइन ऐसे बना के कंप्लीट करेंगे और ये हम पूरे बिन लेंगे। इसी तरह से हमने पूरे सात फंदे हमें घटाने हैं, जब ये हमारे 27 फंदे फिर रह जाएंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे करके, अब हमने ग्रीन वाले दो दो करके पूरे फंदे उठा लिए हैं। हर सिलाई में हमने दो दो फंदे नीचे की तरफ लेते हुए अब पूरे गए हैं, तो अभी हमने ग्रीन वाले पूरे फंदे बिन लिए हैं। ये देखिए दो दो हर सिलाई में हमने फंदे उठाए हैं, तो ये देखिए हमने ग्रीन के पूरे फंदे बिन लिए। अब ये दो फंदे हमारे व्हाइट के बचे हैं, पहला फंदा उतार के ऐसे लूप लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर सीधी साइड में इसको इसी में पिरो देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम ग्रीन वाले पूरे फंदे ऐसे सीधी सिलाई सेम टू सेम बनाना है। ये देखिए हमारी ये लीव्स
बनके भी तैयार हो गई है। आपको देखिए साफ से इस नजर आ रही है उल्टी साइड में, ये इसे ये देखिए। और ये हम पूरी लाइन ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने दो दो लेते हुए पूरे हमने ग्रीन के पूरे फंदे खत्म कर दिए। अभी हमें सिर्फ दो फंदे व्हाइट वाले उठाने हैं। तो ये अभी हमने पूरी सीधी सिलाई हमें ये देखिए इस तरह से पूरी बना के कंप्लीट करनी है। और ये हमारी एक लीव्स बनके भी तैयार हो गई है। ये देखिए हमें ग्रीन वाले पूरे फंदे मिले, धागा पीछे और इसको ऐसे टाइट करके। धागा पीछे फिर इसको हम आगे लाएंगे। और ये देखिए ये तीन फंदे ये देखिए हमारी ये डिजाइन एक कली बनके तैयार हो गई है। और ये हमारे तीन फंदे रहते हैं तो ये तीन फंदे ही रहेंगे और ये छह फंदे हैं, छह फंदे रहेंगे। बाकी हमारी ये वाले फंदे घटते और बढ़ते रहते हैं। ये हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा के हमने ये लीव्स अभी हमारी ये कंप्लीट हो रही है। अभी हमने जो 27 फंदे डाले थे ये हमारे 27 फंदे थे। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे हर बार तो ये हमारी किनारी चैन जैसी बनती है। और ये देखिए एक फंदा हमने बिन लिया और ये दो फंदे का एक कर दिया। ये हमारे तीन फंदे, ये देखिए एक दो तीन। अभी हम पूरी लाइन व्हाइट से बिनेंगे, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस। ये देखिए हमारे 27 फंदे हो गए जो हमने नीचे डाले थे, जो हमने यहाँ पे शुरू में डाले थे। और ये देखिए हमारी एक लीव्स बनके तैयार हो गई। अब ये हम उल्टी सिलाई बना के हमें कंप्लीट, पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको टाइट करके अगला फंदा हम बिन लेंगे। तो ये हमारा बीच का सर्कल बहुत छोटा और सफाई से आता है जो सिलने में बहुत आसान रहता है। और ये पूरी सिलाई हम व्हाइट से बिन के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना के पूरी कंप्लीट कर ली। अब हमें यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट करनी है सेम उसी तरह से जैसे हमने अभी यहाँ पे शुरू किया था। तो दूसरी कली कैसे उठा उस ये पहला फंदा हम और ये देखिए हम दो फंदे ये देखिए एक फंदा हम फिर से यहाँ उठा लेंगे। ये देखिए उठा लिया और ये एक बिन लिया तो ये हमारे हो गए तीन फंदे। और धागे को हम इस तरह से करेंगे। अब हम रेड के बनाएंगे छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः। ये देखिए हमने रेड से छः फंदे बिन लिए। ये देखिए तीन फंदे हमारे व्हाइट के और ये छः फंदे रेड के। इस धागे को ऐसे करेंगे और ग्रीन से हम ये देखिए ये बाकी फंदे हम ग्रीन के बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह। सत्रह फंदे हमने ये ग्रीन के बनाए और दो फंदे हम व्हाइट के छोड़ देंगे। धागा यहीं से घुमा के फिर वापस सीधी सिलाई में आएंगे। और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे जैसी है जो जिस कलर का। अगली बार फिर हम ये तीन फंदे में एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और ये रेड और ये
व्हाइट वाले को हम रेड करेंगे और एक फंदा हमारा इधर बढ़ेगा, तो ये इधर एक फंदा इधर बढ़ेगा और ये रेड वाला फिर एक फंदा बढ़ जाएगा, तो इसको हम ग्रीन से इसी तरह से हम 7 फंदे बढ़ाएंगे और दो दो फंदे यहाँ पे छोड़ते जाएंगे और इसी तरह से यहाँ पे हम 14 फंदा छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारे 7 फंदे बढ़ जाएंगे। फिर उन्हीं फंदों को हम हर सलाई में एक एक करके कम करेंगे और जो दो दो फंदे करके हमने जो 14 फंदे छोड़े थे तो उनमें से दो दो फंदे लेते हुए लास्ट तक जाएंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे तो हमारा ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये इतना डोरमेट बना लिया है, ये देखिए जैसे मैंने बताया था सेम उसी तरह से रिपीट किया है और ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत डोरमेट बन गया है। इसी तरह से मैं रिपीट करूंगी तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगे आप जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।